जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। उधमपुर जिले के वसंतगढ़ के खनेड़ इलाके में रविवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई थी। अब यहां पर दोबारा मुठभेड़ शुरू हो गई है। एक बड़े पुलिस अधिकारी ने बताया कि लगातार उन आतंकवादियों पर नजर रखी जा रही थी जो 4 दिन पहले खनेड़ इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच थोड़ी गोलीबारी के बाद भाग गए थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा और उधमपुर जिले के सुदूर वन क्षेत्रों में रविवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 2 मुठभेड़ हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद जब पुलिस ने सेना और अर्धसैनिक बलों की मदद से नागसेनी प्यास और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू किया तो दोनों के बीच थोड़ी देर के बाद गोलीबारी शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं और घने जंगलों में भागे हुए आतंकवादियों की तलाश के लिए अभियान जारी है। किश्तवाड़ा में ये मुठभेड़ ऐसे समय में हुई जब एक दिन पहले ही दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकेनाग के जंगलों में भीषण मुठभेड़ में 2 सैन्यकर्मी हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक प्रवीण शर्मा शहीद हो गए और एक नागरिक की जान चली गई। साथ में 5 अन्य घायल हो गए थे। पद्दार क्षेत्र में वार्षिक मचैल माता यात्रा के बारे में एक अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ के बाद तीर्थयात्रियों की आवाजाही केवल कुछ देर के लिए रुकी गई थी। तो कैसा लगे हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए इंडिया.com।